हनुमान बाली युद्ध, जब बाली का हनुमान जी से हुआ सामना। हनुमान जी और बाली के युद्ध में कौन हारा? क्या हनुमान जी को करना पड़ा था बाली से युद्ध? रामायण काल में महाबलियों में एक नाम बाली का भी शामिल था। वो एक ऐसा प्रतापी राजा था जिसका पराक्रम तीनों लोकों में था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उससे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई न था। लेकिन जब उसका सामना हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ? आइए जानते हैं बाली की ये रोचक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने बाली को एक मंत्र युक्त दिव्य हार प्रदान कर ऐसा वरदान दिया था कि जब भी वो इस हार को पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस अद्भुत चमत्कारिक शक्ति के कारण बाली जब भी युद्ध करता था तो उसका शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। और इसी तरह दुश्मन कमजोर होकर बाली के हाथों मारा जाता था। इसी वरदान के कारण बाली को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजार हाथियों का बल रखने वाले दुतुम्भी नामक राक्षस का वध कर दिया था। दुतुम्भी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में ढेर कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बाली के साथ छल किया। इसके पश्चात बाली ने रावण को धूल चटा दी। बाली ने उसे बुरी तरह से पीटा और फिर अपनी कांख में दबा लिया और इस तरह कांख में 6 माह तक दबाए रखकर संसार में इधर उधर घूमता रहा। अंत में रावण ने हार मान ली और बाली को अपना मित्र बना लिया, जिसके पश्चात उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। असुरों के राजा रावण को परास्त करने के पश्चात बाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाली को ये घमंड हो गया कि उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। मद में चूर बाली एक जंगल की ओर निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया। बाली उस जंगल को तहस नहस कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो जंगल के हरे भरे पेड़ों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंकने लगा। संयोग से उस जंगल में राम भक्त हनुमान प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहे थे। बाली की गर्जना से उनकी तपस्या भंग हो गई। गर्व के नशे में चूर बाली अपने आप से गरजते हुए कहने लगा, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो बाली के पास पहुंचे और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप क्यों फलों से लदे इन वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं? आप क्यों इस शांत वन को उजाड़ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप प्राप्त शक्तियों के कारण आपको घमंड हो गया है। हे वानर राज, आप अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका घमंड अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये सुनकर बाली अति क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे तुच्छ वानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे शिक्षा दे रहा है और तू किस राम के बारे में कह रहा है?
मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। हे राजकुमार बाली, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी मिल जाए तो भव सागर पार कर जाए। यदि इतने ही महान है तेरे श्री राम तो बुला उनको, मैं भी देखूं कितनी शक्ति है उनकी भुजाओं में। ये सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे, फिर उन्होंने कहा, बल के मद में चूरे बाली, तू क्या प्रभु श्री राम को हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को तो पराजित करके दिखा, तो शायद मैं तुझे मान लूं। ठीक है, कल सूर्योदय होते ही तू मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की युद्ध की चुनौती स्वीकार न करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी? लोग मुझे कायर कहेंगे, इसीलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, आप युद्ध के लिए जाएं, लेकिन अपनी शक्ति का दसवां हिस्सा ही लेकर जाएं, शेष शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर जाएं। युद्ध के उपरांत ये शक्ति फिर से ले लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया। वो अपनी शक्ति का दसवां हिस्सा ही लेकर बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उधर बाली युद्ध के मैदान में हनुमान जी को ललकारते हुए उनका इंतजार कर रहा था। आज उस वानर को मेरी शक्ति का पता लग जाएगा, एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बाली के इतना कहने पर हनुमान जी ने बाली के सामने अपना कदम रखा। फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति प्राप्त होने का एहसास होने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझ में अचानक से इतनी शक्ति कहां से आ रही है? बाली को लगा कि जैसे समस्त संसार की ताकत उसके शरीर में समाने लगी है। क्षण भर के बाद उसे एहसास होने लगा उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहने लगे, बाली, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख कर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो वहां से तीव्र गति से भागने लगा। सैकड़ों मील भागने के बाद वो थक कर निढाल हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। ये सब क्या है? आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और अभी आप मेरे समक्ष खड़े हैं, क्या बात है? बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है ब्रह्मदेव? जब हनुमान युद्ध करने तुम्हारे सामने आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, फिर क्या हुआ इसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि संसार की सारी शक्ति मेरे शरीर में समा रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर फटने वाला है और नसों से खून बाहर निकल आएगा। हे बाली, मैंने हनुमान से कहा था कि वो अपने शरीर की शक्ति का दसवां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने जाए। सोचो, यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर
युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने आते तो तुम्हारा क्या होता? ये जानकर बाली को अपनी भूल का आभास हुआ। फिर बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप में संसार की शक्ति समाई हुई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।